हे दोस्तों, मैकेनिक इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए, इसके बारे में एक और फॉल्ट कोड के बारे में बात करेंगे। जो आज का फॉल्ट है वो है P0503 और P0501। तो स्टेप वही है जैसे पहले जाते थे हम लोग। तो बॉश वाले पंप के लिए हम लोग फॉल्ट कोड देखेंगे, यानी कि इंजन के सारे फॉल्ट देखेंगे। तो इंजन के फॉल्ट कोडों में आज ही हमारा चौथा जो है फॉल्ट कोड पे वीडियो है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं P0501 और P0503। जब ये फॉल्ट कोड आता है तब क्या करना है आपको। तो P01 और P0503 जो फॉल्ट कोड है वो है हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर का। व्हीकल स्पीड सेंसर से संबंधित जो भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें चेक करने हैं, जो भी फॉल्ट आएगा ये एक एक पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे P0501 के केस में ये बोलता है क्या क्या आपको चेक करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देता है कि पानी जो है जमा हो जाता है अपना सेंसर में, और कभी भीग जाता है या पानी चला जाता है, जिसकी वजह से जंग लग जाता है और फिर फॉल्ट आने लगता है। तो ऐसे टोटल 10 ऑप्शन है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये 10 ऑप्शन एक एक करके देखने, सेंसर की माउंटिंग देखनी है, व्हीकल की स्पीड सेंसर देखना कहीं से लूज नहीं हो, उसके बाद फिर आपको देखना प्लॉसिबिलिटी डिफेक्ट, यानी कि क्या होता है कि आपका सेंसर जो है वो डिफेक्टिव होता है और उसमें कोई भी कहते हैं वैल्यू नहीं दिखाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पीडो गियर, जो स्पीड वाला जो गियर होता है उसको चेक करना पड़ता है। यहाँ स्पीडो गियर अगर ख़राब होता है तब भी आपको P0501 और P0503 कोड आपको दिखाई देता है। देन आता है वायरिंग, तो वायरिंग में आपको क्या है स्पीड सेंसर के से लेकर के ECM के जो कनेक्टर है उस तक की वायरिंग को चेक करना है, और ये वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पर जो पिन दिया है इस तरीके से वायरिंग कंटिन्यूटी बराबर मेंटेन होनी चाहिए। अगर वायरिंग नहीं होगी यानी कंटिन्यूटी नहीं होगी तब भी आपको P0501 कोड दिखाई देगा। वायरिंग हारनेस के बाद कुछ पॉइंट्स और आते हैं, जैसे टर्मिनल बैकआउट, यानी कि पिन जो है उसकी पिन खिंच गई है, अगर पिन वापस खिंच जाएगी बैकआउट हो जाएगी तब भी आप लोग सेम फॉल्ट देखेंगे कि यही कोड आ रहा है। इसके सिवा और है जो है वायरिंग हारनेस की प्रॉब्लम, अगर वायरिंग कहीं और से कट गई है तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये यही कोड आपको दिखाई देगा। तो जो कोड आपको P0501 में दिखाई दिए उसी के ही सिमिलर कोड आपको P0503 में भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं सेम ही कोड हैं, संबंधित हैं जो व्हीकल स्पीड सेंसर से। तो दोनों के लिए लगभग चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें क्या होता है कि सेंसर अगर डैमेज हो गया होता है या टूट गया होता है तब ये P0503 कोड आता है, बाकी वायरिंग और सारे पॉइंट सेम होते हैं। P0501 में क्या है कि सेंसर कटा या टूटा नहीं होता है, बाकी इंटरनल फेलियर आ जाता है या उसकी वायरिंग का कोई फॉल्ट आता है तब जाकर के अपना वो कोड आता है। लास्ट में मैं क्या करूँगा, इसका जो फ़ोटो है उसको शेयर कर दूँगा, आप लोग उसके फ़ोटो को देख लीजिएगा और एक एक करके सेम पॉइंट्स पढ़ भी सकते हैं आप लोग जो चेक करने हैं हमें। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग P0501 फॉल्ट ठीक करेंगे। तो लास्ट के पॉइंट अब आप लोग देख सकते हैं, ये सारे अपने 7 पॉइंट्स हैं ये चेक करने हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।